हेलो। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये लड़की कहाँ है। कहाँ? मेरे बहन को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो कैसी है? अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपको आपकी बहन के पास लेकर चला जाऊँगा। ओए, पुलिस वाले को धमकी दे रहा है, चुपचाप से मेरी बहन को छोड़ दे। तुमने अभी अभी जो घर क्रॉस किया है उसमें आ जाओ। सर, शांत हो जाइए। सर, बता विद्या कहाँ है? देखने में तो डिसेंट लग रहा है। चल चल, बता विद्या को कहाँ छुपा कर रखा है। बोल। उस दिन कार में तुम्हारे साथ जो आया था, अगर उसने उस दिन की बात पर ये सब कुछ किया तो मैं उसे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ओए नवीन, अंग्रेज की औलाद कहाँ छुपा है? देखिए, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के टॉप डॉक्टर्स मौजूद हैं। सब यहाँ पर ऊटी में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं। ये सारे डॉक्टर्स एक गाड़ी में बैठकर कोयम्बटूर तक पहुँचेंगे, तभी इस वायरस की दवाई बनाई जा सकती है। इन्हें जो फैसिलिटी चाहिए वो सिर्फ वहीं पर है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ऊटी से ना तो कोई गाड़ी बाहर जा सकती, ना ही अंदर आ सकती है। ओए, बाहर निकलना। अरे दारू पीकर गाड़ी चलाता और ऐसी हरकत की। यहाँ पर कोई नहीं छुपा है। तुम्हारी बहन मेरे ही घर पर है। मैं मिनिस्टर गुरुमूर्ति की बेटी हूँ। मेरे पापा के लोगों ने ही तुम्हारी बहन को किडनैप किया है। मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी। प्लीज कैसे भी हमारी कोयम्बटूर जाने में मदद करो। ए, मुझे इस वायरस की दवा से कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप से मुझे मेरी बहन के पास ले चलो। मेरे तुम्हारे बीच कोई डील विल नहीं है। मेरे पास शूटिंग ऑर्डर से मैं तुम सबको गोली मारकर यहाँ से निकल जाऊंगा। इन्हें मारना जरूरी है क्या? ये सिर्फ एक बीमारी है। क्या कहा? इन्हें पेशेंट की नजर से देखना होगा। थोड़ी भी इंसानियत नहीं है तुम्हें? भाई, तुम इन्हें लेकर गाड़ी में बैठो, मैं कवर करता हूँ। निशाना ठीक लगाएगा ना? ज्यादा सवाल करेगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तुम जाओ ना भाई। जस्ट मिस हो गया भाई। ओए, अपने पीछे देख जरा, जल्दी आ जा। अरे भाई बचाओ, भाई भाई चलाओ। भाई भाई, अब कैसे चलाओ? चला, मुझे भी मार देना। अरे भाई बचाओ। अरे दीदी, वो हैंडीकैप था बेचारा। चलो चलो। क्या यार, मुझे गोली मार रहा था क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर मैडम को उसे देखकर जरा दया आ गई थी। क्यों जी, मुझे देखकर दया नहीं आई आपको? वो सब वायरस के शिकार पेशेंट्स हैं। ओहो, थोड़ी देर के लिए अपनी डॉक्टर की ये डिग्री साइड में रखोगी? गोली चलाओ या फिर ये भी कोई पेशेंट है? बेचारे को भूख लगी होगी ना? मुझे भी इस पेशेंट को देखकर दया आ रही है। शूट करो। बस एक ही बार तो काटना चाहता है। बिस्किट की तरह अपनी एक उंगली दे दो उसे, बस फिर वो मान जाएगा। ये भी एक तरह का त्याग हुआ ना? गोली चलाना। ये डॉक्टर मैडम तो बदतमीजी से बोल रही हैं। पहले समझाने से समझ में नहीं आ रहा था। Check on this. Okay, doctor. सारे सैंपल्स ठीक है, ये चेक कर लो जरा। ठीक है सर। या नवीन। हाँ रेनू, तुम ठीक तो हो ना? डोंट वरी, आई एम फाइन। भगवान, तुम तो ठीक हो ना वहाँ? मेरी छोड़ो, तुम कैसे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, घबराओ मत।
मैं कोई मिटूर आकर तुम्हें फोन करती हूँ। ओके बाय, लव यू। इसकी तो जरा संभल के चलाना भाई। सुनो, थोड़ी देर के लिए अपना फोन बंद कर दो ना। अब हम क्या करेंगे सर? चुप रहो, चुप रहो। हेलो, अरे कोई है क्या? वॉचमैन। अली बाबा की गुफा है भाई ये। तुम शांत रहना, मैं कहूंगी तो मेरे पापा सुनेंगे। सुनना ही होगा। सुन जरा, तू उस तरफ देख। पापा, पापा, कार्तिक, कार्तिक, अरे अरे अरे, क्या 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 कर रहा? नहीं 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 नहीं, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, नहीं नहीं। तू पूरी तरह से अंधा हो गया क्या? बेटी, बेटी, इनको बोलो कि गोली मत चलाओ। गोली चला रहा था वो ना भाई, इसकी शक्ल खूंखार लोगों जैसी लग रही थी, इसलिए डर से गोली चला दी, लेकिन गलती से मिस हो गया। पापा पहले आप नीचे उतरिए। बेटी, खाना बनाने वाला मुन्ना और हमारा पिया अचानक आदमखोरों की तरह मेरा शिकार करने लगे। उस लड़की को आपने कहाँ छुपाया है ये बताइए। हाँ, बोल जल्दी। नहीं बेटा, 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 मैं कुछ नहीं जानता बेटा। पीछे की तरफ जाकर के देखो, मेरे आदमियों ने उसे गुस्से में आकर उठा लिया था। इस बात का बुरा मत मानो बेटा। तो चल हट एक तरफ। लगता है इन्हें पानी से एलर्जी होती है। ये फोटो वाली लड़की है ना? विद्या को मुझसे मिलाने के लिए आपका थैंक यू। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो माफ कर देना। मैं जब डॉक्टर बनी थी तब मैंने कसम खाई थी, मुझसे अगर किसी की जान बचाई जा सकती है तो उसे मैं कैसे भी करके बचाऊंगी। तुम पर्सनल लाइफ में कैसे हो मैं ये जानती हूँ, ये धमकी नहीं है। हमारी मेडिकल टीम को अगर तुम कोयम्बटूर के लैब तक नहीं ले गए तो अगले 48 घंटों तक तुम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अंधा है तो एकदम।
ट्रैफिक पुलिस है ना, मैं गलती से मिस हो गया। भाई हमारे लिए नया काम जरूरी है क्या? डॉक्टर यहाँ है लोग। सर आइए डॉक्टर, चलिए चलिए आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। छोड़ दो, वो इन्फेक्टेड है, उसकी पीठ की तरफ देखो, उसे कैसे छोड़ दे? वो इन्फेक्टेड है। हेल्प मी,